वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, हम इसमें बात करने वाले हैं कि आपका सीजीएल का एग्जाम कब होगा और कब तक हमारे पेपर दोबारा से शुरू हो पाएंगे। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसा इस साल हो रहा है, पिछले साल ये नया था, बट अभी जो हो रहा है वो नया नहीं है हमारे लिए। इस बार जो लॉकडाउन लगा वो हमारे लिए नया नहीं था, इस बार जो भी चीजें हुई वो हमारे लिए नई नहीं थी, क्योंकि हम पिछली बार ऐसी ही चीजें देख चुके थे। तो इतिहास हमें जरूर अपनी सीख देता है, आगे के लिए रास्ता जरूर हमें बताता है। तो हम उसी से अगर बात को समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि पिछली बार भी एकदम सिमिलर सिनेरियो हुआ था आपका। मार्च में पेपर चल रहा था और मार्च के बीच में ही 21-22 मार्च के बाद में वो जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद सीएचएसएल का जो पेपर चल रहा था वो रुक गया था। और उसके बाद दोबारा सितंबर में बच्चों ने काफी ज्यादा ट्वीट किए और काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी और उसके बाद अक्टूबर में 12 से 26 अक्टूबर के बीच में आपका सीएचएसएल का पेपर हुआ था। और उसके बाद सीजीएल का टीयर वन पहले ही कंडक्ट हो गया था मार्च में, 1 से 6 मार्च के बीच में, तो उसका टीयर टू जो है वो फिर सितंबर अक्टूबर के बाद में नवंबर में हुआ था, दिवाली के आसपास 16-17-18-19 को। तो वो तो हो गया आपका पिछले साल की बात। तो सिमिलरली इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार भी वही हुआ है, सीएचएसएल का पेपर आपका मिड में रुका है और बीच से पेपर अब आगे होना है, और उसके बाद जब सीएचएसएल हो जाएगा उसके बाद सीजीएल होगा और एमटीएस होगा और आगे के जितने भी एग्जाम है, सीपीओ होगा, जितने भी एग्जाम है लाइन में लगे हुए हैं वो उसी हिसाब से होंगे। अब बात करें कब तक होगी, तो इसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और प्रेडिक्शन ये है कि देखिए, अभी जो स्थिति है, धीरे धीरे कोरोना के केसेस आप खुद ही देख रहे हैं कि डाउन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट पिछले साल जैसी स्थिति आ रही है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस भी डाउन हो रहे हैं। और आज दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि वो 1 जून से धीरे धीरे फेज वाइज ओपन करना शुरू करेंगे। तो जून से ये मान के चलिए कि जून जुलाई के बीच में चीजें धीरे धीरे फेज वाइज ओपन होंगी, तो जुलाई एंड तक लगभग पूरा देश खुल चुका होगा और ज्यादातर जगहों पे ऐसी उम्मीद है। अगर कुछ भी अनहोनी होती है या कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, वी कैन नेवर नो अबाउट इट, राइट, कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो हम कभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसी की परिस्थिति अभी है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो वो ये उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जुलाई एंड तक चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी और काफी हद तक कोरोना के केसेस भी कम हो जाएंगे, देश बेहतर हालत में होगा और देश में लॉकडाउन की स्थिति भी नहीं होगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई एंड तक आपकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब अगस्त सितंबर में चीजें नॉर्मल होना शुरू होंगी। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं कि जो आपका नीट पीजी होता है, जो बच्चे एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस के बाद में पीजी का एग्जाम लेते हैं डॉक्टर्स, तो वो नीट पीजी का जो एग्जाम है वो डायरेक्ट अगस्त में पोस्टपोन किया गया है। यानी कि वो भी हमारे यही अप्रैल में होना था और उसके बाद उसको डायरेक्ट जो है अगस्त में पोस्टपोन किया गया। यानी कि हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि शायद अगस्त से चीजें खुलना शुरू होंगी और एग्जाम्स होना शुरू होंगे। और सीधी सी बात है, अगर एक कोई भी एग्जाम होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे इसका मतलब कि हमारे एग्जाम भी लाइन पे आ जाएगा। तो अगर अगस्त से नीट पीजी का एग्जाम होना शुरू होता है तो हम वही मान सकते हैं कि अमूमन अक्टूबर तक ही हमारा दोबारा एग्जाम हो पाएगा। आप देखिए, अगर आप बेहतर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मुझे ये मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर में, आप अभी ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर में है और अभी हमारे जून लगने वाला है 2-3 दिन में, तो जून जुलाई आपके पास 2-3 महीने पूरे हैं, एटलीस्ट जून जुलाई में एग्जाम नहीं होने वाला है, इसकी मैं आपसे मैं इतना तो श्योर हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ, जून जुलाई में एग्जाम नहीं होगा। अगस्त में आपसे ये मान सकते हैं कि अगस्त से प्रोसेस शुरू हो सकता है, अगर एसएससी ने तेजी से काम किया तो अगस्त में हो जाएगा, नहीं किया, अगर सो गए, हमें जगाना पड़ा ट्विटर के जरिए या बाकी जगहों से, तो ये मान लीजिए कि फिर अक्टूबर तक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सारे एग्जाम होंगे हम भी एसएससी डिमांड करने लगेंगे कि भाई मेरा भी एग्जाम करा दो, जिससे कि हम भी आगे की प्रोसेस हमारा भी बढ़ सके। तो ये मान सकते हैं कि अगस्त सितंबर तक चीजें बेहतर होने लगेंगी, अगस्त सितंबर से हम ऐसा मानने लगेंगे एग्जाम अब हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्जाम है, जो मेरा प्रेडिक्शन कहता है, वो ये कहता है कि अक्टूबर में होगा और पहले सीएचएसएल होगा, तो सीएचएसएल हो सकता है कि सितंबर में हो जाए। जो मेरी समझ कहती है वो यही कहती है अक्टूबर तक ही आपका सीएचएसएल भी होगा, उसके बाद नवंबर में आपका सीजीएल होगा और उसके बाद आगे की चीजें होंगी। अगर एसएससी ने थोड़ी फुर्ती दिखाई और थोड़ा अच्छे से काम किया और देश के हालात अच्छे हुए, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए चीज यहाँ पे है, एग्जाम और बाकी चीजें बाद की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोरोना के नंबर ऑफ केसेस और देश के हालात। अगर देश के हालात ठीक हुए
तो हो सकता है कि फिर आपके एग्जाम आपके सितंबर अक्टूबर तक हो जाए। और अगर मान लीजिए थर्ड वेव की जैसी बात चल रही है, अगर ऐसा थर्ड वेव जैसा कुछ हुआ इसमें नंबर ऑफ केसेस फिर से बहुत तेजी से ऊपर गए, फिर तो आप ये मान के चलिए कि फिर तो मुझे लगता है इस साल तो फिर एग्जाम नहीं हो पाएगा। लेकिन वो ये है कि भाई कोई भी देख के नहीं आया है और सरकार भी इस बार थोड़ा तो एटलीस्ट प्रोएक्टिवली काम कर ही रही है, क्योंकि बात अगर थर्ड वेव की अभी से चल रही है इसका मतलब कि प्रिकॉशंस रखे जाएंगे, चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। और अगर ऐसा होता है थर्ड वेव नहीं आती है और नंबर ऑफ केसेस फिर से राइज नहीं करते तो आपका एग्जाम जो है सेप्टेम्बर से अक्टूबर के बीच में होने लगेंगे। लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो गई जिसमें नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, अचानक से फिर से हम लोग कोरोना से परेशान हो गए, तो भाई पहले तो जान है तो जहान है, और जान बचेगी तो एग्जाम भी दे पाएंगे इस साल, नहीं तो अगले साल दे पाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि अभी आप ये मान के चलिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे ही एग्जाम बंद है, ना आपका इंटरमीडिएट का हो पा रहा है, ना किसी ग्रेजुएशन के एग्जाम हो पा रहे, सारे ही दुनिया में सारे एग्जाम, मतलब एटलीस्ट इंडिया में सारे एग्जाम नहीं हो पा रहे ना, बोर्ड का भी इतना पंगा चल रहा है और उसको तो एटलीस्ट सरकार बताई, मिनिस्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस पे तो काफी बड़े लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी कि वो काफी बड़ा मुद्दा बना है। तो अगर एक बार इंटरमीडिएट और इनके एग्जाम्स होंगे तो फिर हम धीरे धीरे ये भी कह सकेंगे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हों। तो अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए थंबनेल और टाइटल में मैंने जरूर लिखा होगा कि लिखा है कि आपको ये एग्जाम कब होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं टू बी ऑनेस्ट वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट, एंड प्रेडिक्शन मेरी ये कहती है कि सेप्टेम्बर अक्टूबर में आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है? तो वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट, एंड मैंने आपसे कहा सेप्टेम्बर अक्टूबर में आपके एग्जाम हो सकते हैं विद एस्ट्रिक साइन, मतलब साइन मतलब हो गया आपका कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, एंड टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि देश के हालात बेहतर स्थिति में जाएं और कोरोना की कोई तीसरी लहर ना देखी जाए जिसमें फिर से हमारे पास केसेस बढ़े। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए, बिल्कुल पढ़ाई को किसी भी तरीके से इफेक्ट मत होने दीजिए, और अभी आपने दिमाग में ये बना के चलो कि आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर में है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, पूरी मन से तैयारी कीजिए आप, और मेरे वोकैबुलरी वीडियोस आ ही रहे हैं आप उनको देखते रहिए, साथ ही साथ टॉपर्स के इंटरव्यू भी ले रहा हूँ उनको भी आप देखते रहिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पूरी मन लगा के पढ़िए, पूरी शिद्दत से पढ़िए, और ये मान के चलिए आपका एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में है, ठीक है? सो लेट्स कीप इट टिल हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।